हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आलू टिक्की कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। ये हमने 250 ग्राम आलू ले लिया है। इसको आपको उबाल कर छील लेना है। और ये बेसन है, ये हमने लिया है लगभग एक छोटी आधी कटोरी बेसन है। और ये एक छोटा कटा हुआ टमाटर है। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती है। और ये दो हरे मिर्च हैं। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए, आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालेंगे। तेल अभी हमारा गर्म हो रहा है। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें एक चुटकी थोड़ा सा हींग डालेंगे। जीरा हमारा भुन गया है। अब इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा एक चौथाई चम्मच डालेंगे। और इसमें अब अमचूर डालेंगे एक चौथाई चम्मच। चाट मसाला एक चौथाई चम्मच। अब सारे मसाले को मिक्स कर लें अच्छे से और इसको ऐसे चलाते रहें। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और अब इसमें हम हरी पत्ती जो धनिया लिया था वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। नमक स्वादानुसार। ये हमारा आलू मसाला भून के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें बेसन को डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे एक चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच और नमक डालेंगे एक चौथाई चम्मच। नमक हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने आलू भुजिया जो तैयार किया है उसमें नमक हमने मिला लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, बेसन को हमने घोल लिया है और बेसन को हमें ज़्यादा पतला नहीं घोलना है। जितना आप देख रहे हैं इतना ही लगभग पतला हमें बेसन को घोल लेना है। अब हम कढ़ाई में तेल को डाल देंगे और तेल जो है गर्म हो तब तक हम आलू टिक्किया बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम आलू टिक्की बनाना शुरू करते हैं। ऐसे हमें छोटे छोटे टिक्की बनाना है। आलू टिक्की आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना हो वैसे बना लें। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम टिक्की को डालना शुरू करेंगे। अब इस बेसन के जो घोल में है इसमें हम टिक्की को ऐसे डुबा लेंगे दोनों तरफ और डुबा करके छानेंगे। ये देखिए, आलू टिक्की हमारी पक रही है। आप अपने हिसाब से
डालिएगा। जितना भी आपकी कढ़ाई में आपने तेल डाला हो उसी हिसाब से आप जो टिक्की डालिए, ताकि टिक्की जो है तेलों में पूरे सही तरह से डूबी हो, तभी जो है सही पकेगी बढ़िया। जब हमारी टिक्की हल्की सी लाल हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और दोनों तरफ हमें टिक्की को पलट पलट के दोनों तरफ पका लेना है सही से। ये देखिए आलू टिक्की हमारी हल्का सा लाल हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए आलू टिक्की हमारी तैयार हो गई है। अब इसको आप खट्टी और मीठी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब आप लोग भी आलू टिक्की बनाइए और खाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।